Hey guys, welcome back to the channel. मेरा नाम है ज़ाहिद अख्तर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच विंटर स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपके पास होने ही होने चाहिए. अब फिर चाहे आपकी स्किन नॉर्मल हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो या सेंसिटिव हो, आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से ये प्रोडक्ट्स खरीदिएगा. और जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो मैं अपनी रिकमेंडेशन आपको बताऊंगा, किसी प्रकार का कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है इस वीडियो में. मैं पर्सनली जो यूज करता हूं या जो मैंने पास्ट में यूज किए हैं वो मैं आप सबको बताऊंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी के मैं बेस्ट बाय लिंक्स दे दूंगा. इससे पहले मैं अपनी वीडियो शुरू करें, एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताने जा रहा हूं. अगर आप भी मेरी तरह ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं और चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आप सेव कर लें, आपको डिस्काउंट्स मिल जाएं, अच्छे अच्छे ऑफर्स के बारे में आपको पता चलते रहे, डिस्क्रिप्शन में मेरा पहला लिंक है टेलीग्राम चैनल का, फ्री टू ज्वाइन है, उसको क्लिक करिए, ज्वाइन कर लेंगे, डेली बेसिस पे फिर फायदा उठाइए. और अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, इस मूवी पहली बार देख रहे हैं, दो चार पांच वीडियो देखिए, अगर आपको चैनल समझ आता है, ये लड़का समझ आता है, कॉन्टेंट समझ आता है, सब्सक्राइब जब आप करने जाएं तो घंटा दबा दीजिएगा. और इनकेस आपको कुछ बातें शाते करनी है या मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना है, इंस्टाग्राम पे थोड़ा अलग कॉन्टेंट मैं डालता हूं, अगर आप चाहें तो वहां का भी मजा उठा सकते हैं. ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल. और जो भी चीजें मैं करता हूं, जहां जहां मैं हूं प्रेजेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, सभी के डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक दिए हुए हैं, एक बार चेक करा करिए. पहला प्रोडक्ट सभी को पता है कि मैं फेस वॉश के बारे में बात करूंगा. जी हाँ, पहला प्रोडक्ट जो आपको चाहिए वो होगा एक फेस वॉश. देखो गाइस, यहां पे मैं स्किन केयर के बारे में नहीं बताने वाला हूं क्योंकि उसकी ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूं. आई बटन पे लिंक होगा या मेरे चैनल पे सर्च कर लीजिएगा. अगर आपको विंटर स्किन केयर रूटीन देखना है या आपको समर का स्किन केयर रूटीन देखना है, आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं. आज की वीडियो में हम सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं. तो पहला प्रोडक्ट है फेस वॉश. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको एक फेस वॉश मैं सजेस्ट कर रहा हूं. मैं पर्सनली वही यूज करता हूँ. फोटो यहाँ पे आ जाएगी. नाम है उसका गार्नियर का डबल एक्शन पावर लाइट फेस वॉश. नाम में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, फोटो आ रही है, यही वाला मैं यूज करता हूँ. और अभी मैंने मंगवाया है खादी नेचुरल का नीम और टी ट्री वाला फेस वॉश, तो आप चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं. उसके अलावा मैंने बहुत सारे फेस वॉश के अपने चैनल पे ऑलरेडी रिव्यूज किए हुए हैं, आप जाकर उसको देख लीजिएगा. दूसरा प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो होगा एक गुलाब जल. मैं यूज करता हूं जोफला का रोज वाटर. इसके अलावा मैं यूज करता हूं अरोमा मस्क का रोज वाटर. इन दोनों के ही मैंने अपने चैनल पे रिव्यू किए हुए हैं. बिफोर बाइंग यू गाइस कैन चेक दोज रिव्यू वीडियोस. मुझे खुद नहीं याद है मैंने कितनी बार अपनी वीडियोस में रोज वाटर के बारे में बताया है. उसके बाद भी एक सवाल आता है कि क्यों यूज करना है, और कई सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसका आंसर ही होता है एक रोज वाटर. देखिए, फेस वॉश करने के बाद ना आपके ये जो चेहरे हैं इनके रोम छिद्र जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, उनको बंद करना बहुत जरूरी होता है. और उस सिनेरियो में एक गुलाब जल काम आता है. एज अ फेस टोनर आप यूज कर सकते हैं. अगर आपके चेहरे पे आपको लगता है कि ग्लो नहीं है, बहुत डल डल स्किन है, तो आप एक रोज वाटर यूज कर सकते हैं. अगर आपको लगता है आपके चेहरे पे बहुत सारा डर्ट ऑयल इकट्ठा हो गया है, उसको साफ करने के लिए आप एक रोज वाटर यूज कर सकते हैं. तीसरा प्रोडक्ट जो आपके पास होना चाहिए वो होगा एक मॉइस्चराइजर. अब मॉइस्चराइजर में आप या तो जेल बेस वाले मॉइस्चराइजर के लिए जा सकते हैं या वो जो क्रीम वाले मॉइस्चराइजर आते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आपको किसके लिए जाना है. मैं फिलहाल इस विंटर्स में यूज कर रहा हूँ निविया मेन का. ये नॉन स्टिकी है, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है. जब मैं लाइव आता हूँ अपने YouTube चैनल पे, वहाँ पे भी मैंने इसको सजेस्ट किया हुआ था, अपने Instagram स्टोरी में भी मैंने इसको सजेस्ट किया हुआ था. अगर निविया की टीम से कोई देख रहा है, भाई स्पॉन्सर कर दीजिए. जोक्स अपार्ट, ये काफ़ी सही मॉइस्चराइजर है. इनफैक्ट मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स यूज भी कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को पर्सनली DM करके बताया भी हुआ है. आप में से कितने लोग मेरे बताने के बाद ये पहले से यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ नीचे कॉमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें भी पता चलेगा कि कितने लोगों ने हमारी बात सुनी है और कितने लोगों ने उस पर अमल किया है. और आपका जो भी एक्सपीरियंस है, मैं जो भी चीजें बताता हूँ वीडियोस में, अपना एक्सपीरियंस भी लिखा करिए. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपके पास होना चाहिए, ये सिर्फ विंटर्स में ही नहीं, समर्स में, ऑटम में, स्प्रिंग में, कहने का मतलब है 12 के 12 महीने आपके पास एक सनस्क्रीन होनी चाहिए. तीन रिकमेंडेशन दे रहा हूं अपनी, तीनों को मैंने यूज किए हुए हैं. पहला है बायोटिक का सैंडलवुड वाला, दूसरा है लोटस का 30 SPF वाला, तीसरा है न्यूट्रियो जीना का सनस्क्रीन. अब आप देख लीजिएगा कि आपके स्किन को कौन सा सही लगता है, कौन सा सूट करता है, उस हिसाब से आप खरीद लीजिएगा. इसकी बात हो गई, बची है हमारी पूरी बॉडी. और बॉडी के लिए आता है एक बॉडी लोशन, और हमारा फिफ्थ प्रोडक्ट वही है. मैं यूज कर रहा हूं निविया का ये ऑयल इन लोशन कोको नरिश 48 आवर डीप मॉइस्चर केयर. वेरियंट है कोको बटर एंड कोकोनट
ऑयल वाला। बॉडी लोशंस के ऊपर भी मैंने अपने चैनल पे 2-3 वीडियो बनाई हुई है। एक में मैंने 3 बॉडी लोशंस की बात करी थी, एक मैंने हिमालय के बेबी केयर बॉडी लोशन की बात करी थी, एक मैंने पॉन्ड्स के बॉडी लोशन के ऊपर वीडियो बनाई थी। आप उन 3 वीडियो को भी देख सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो भी बॉडी लोशन आप खरीदिएगा वो स्टिकी और ग्रीसी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना लगे कि बॉडी लोशन के बाद फील आ रहा है कि आपने तेल लगाया है, कोई हाथ मिलाने आ रहा है तो हाथ ही सरक रहा है। बस ये ध्यान रखना है, फिर जो आपके बजट के अंदर और जो आपको समझ आता है आप खरीद सकते हैं। वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें दिखाई हैं वो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी मैं कोशिश करूँगा कि जो जो मैंने यूज़ किया है या जो आपकी बेहतरी के लिए है उन्हीं के मैं बेस्ट बाय लिंक डालूंगा। और इसी के साथ हम आ चुके हैं अपनी वीडियो के एंड में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिएगा, 500 लाइक्स का टारगेट है। कमेंट में बताइएगा कि आप इनमें से कितने प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ करते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी लिख दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है कर डालिएगा। एक रिमाइंडर है, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है बंजारा जाहिद, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर डालिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।